प्रदोष व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से भोलेनाथ की कृपा पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज प्रदोष व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से भोलेनाथ की कृपा पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब भोलेनाथ हो प्रसन्न, घर में बरसे अन्न धन। जब भोलेनाथ हो प्रसन्न, घर में बरसे अन्न धन। प्रिय भक्तों, आज हम आपको त्रयोदशी में किए जाने वाले प्रदोष व्रत की कथा सुनाएंगे। कहते हैं प्रदोष व्रत करने से भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक प्रदोष व्रत किया जाए तो जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है एवं इस कथा को जो भी भक्त सुनते हैं तो भोलेनाथ की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। आइए भक्तों, सुनते हैं प्रदोष व्रत की ये परम कल्याणकारी पावन कथा। त्रयोदशी तिथि को व्रत ये भक्तों किया जाता है, शास्त्रों में वर्णन है प्रदोष व्रत ये कहता है। उमा सहित करते हैं इसमें भोलेनाथ का ध्यान, व्रत करने से प्रसन्न होते हैं शंकर भगवान। विधि विधान से करते व्रत जोर करते उद्यापन, खुशियों से सदा रहे महकता उनका घर आंगन। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन पाया जाता है, प्रदोष व्रत सारे पापों से मुक्ति दिलाता है। क्योंकि स्वयं भोले अपनी कृपा बरसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से भोलेनाथ की कृपा पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब भोलेनाथ हो प्रसन्न, घर में बरसे अन्न धन। जब भोलेनाथ हो प्रसन्न, घर में बरसे अन्न धन। भक्तजनों, प्रदोष व्रत यदि विधि विधान से किया जाए तो इस जीवन में मनुष्य सभी प्रकार के सुखों को भोगता हुआ अंत में परम धाम को प्राप्त करता है। क्योंकि स्वयं भोलेनाथ की कृपा उन भक्तों पर हो जाती है। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है, प्रदोष व्रत करने से सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है, बंदी कारागार से छूट जाता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। अर्थात जिस कामना को भी लेकर प्रदोष का व्रत किया जाए, भोलेनाथ की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रिय भक्तों, त्रयोदशी सातों दिन में किसी भी वार को हो सकती है। ऐसे में अलग अलग दिन अलग अलग प्रदोष व्रत का महत्व होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। रविवार के दिन भक्तों जब व्रत ये करता है ग्रह दशा का निवारण, स्वास्थ्य कामना के लिए करते मंगल व्रत को धारण। बुध प्रदोष से पूरी होती सारी मनोकामना, वीर प्रदोष तो विजय दिलाए शत्रु से हो जो सामना। शुक्र प्रदोष व्रत से नारी हो सौभाग्यवती, शनि प्रदोष का व्रत दिलाता खोए पद की प्राप्ति।
सभी प्रदोष व्रत तो उत्तम ही माने जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से भोलेनाथ की कृपा पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब भोलेनाथ हो प्रसन्न घर में बरसे अन्न धन, जब भोलेनाथ हो प्रसन्न घर में बरसे अन्न धन। प्रिय भक्त जनों, त्रयोदशी में सातों दिन के प्रदोष व्रत की महिमा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। इसकी कथा सर्वप्रथम वेद व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज ने शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई थी। जब मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कालिकाल में शंकर जी की भक्ति किस आराधना से उपलब्ध होगी, क्योंकि कलयुग में सर्व प्राणी पाप में लिप्त रहेंगे, वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे, दीन जन अनेक संकटों से त्रस्त रहेंगे, जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे और सत्कर्म में किसी की रुचि न होगी, अतः हे महामुने, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती हो? उनकी बात सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, जिस व्रत को माना जाए। प्रदोष व्रत उत्तम है सूत जी उन्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से भोलेनाथ की कृपा पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब भोलेनाथ हो प्रसन्न घर में बरसे अन्न धन, जब भोलेनाथ हो प्रसन्न घर में बरसे अन्न धन। प्रिय भक्तजनों, जब शौनकादि मुनियों ने सूत जी से कलयुग में कल्याणकारी व्रत के बारे में पूछा, तो उन्होंने प्रदोष व्रत को ही उत्तम बताया। उनकी बात सुनकर सूत जी कहने लगे, आयु की वृद्धि और स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है, प्रातःकाल स्नान करके निराहार रहकर शिव जी में ध्यान मग्न हो जाएं, शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें, तत्पश्चात अर्धपुंड त्रिपुंड तिलक धारण करें, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत से पूजा करके ऋतु फल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें, तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाकर समर्थ अनुसार दान दक्षिणा दें एवं पूरा दिन मौन व्रत धारण करें। हवन में आहुति देना भी अति आवश्यक है, इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। ये व्रत आरोग्यता देने वाला एवं सभी मनोरथ को पूरा करने वाला व्रत है। इस व्रत के बारे में भगवान भोलेनाथ ने माता सती को बताया था। उत्तम व्रत सूत जी ने जब त्रयोदशी का बताया, शौनकादि ऋषियों ने सुनकर पुण्य बड़ा ही पाया। प्रश्न एक और उनके मन में फिर तो आया है, महात्म्य इस व्रत का उनसे जानना चाहा है। लगे पूछने सूत जिसे, अब हमें ये भी समझाओ, व्रत कथा यदि
कथा फिर सूत जी उनको एक सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से भोलेनाथ की कृपा पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब भोलेनाथ हो प्रसन्न घर में बरसे अन्न धन, जब भोलेनाथ हो प्रसन्न घर में बरसे अन्न धन। प्रिय भक्तजनों, सूत जी को जब शौनकादि मुनियों ने प्रदोष व्रत का महात्म्य सुनाते हुए व्रत कथा सुनाने को कहा, तो सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सभी प्रदोष व्रत कथाएं सुनाई। उनमें से जो सर्वाधिक सुनी जाने वाली कथा है उसका वर्णन हम यहाँ करेंगे। सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को बताया कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मण पुजारी था जिसका निधन हो गया था। उसकी विधवा पत्नी अपने पुत्र को लेकर घर घर भिक्षा मांग कर अपना पेट गुजारा करती थी। अकस्मात ही निधन क्योंकि उसके पति का हुआ, हो गई थी मजबूर वो घर घर मांगने को भिक्षा। भिक्षा मांग कर जितना भी वो ब्राह्मणी लाती है अपने पुत्र का पेट भरती खुद खाती है, किंतु प्रदोष व्रत को वो ब्राह्मणी नित्य नियम से करती। प्रदोष व्रत को बैठ के शिव का नाम सदा सिमरती। एक दिन भिक्षा मांग के घर जब वापस आ रही है, घायल अवस्था में एक बालक उसको मिला वही है। उसकी पीड़ा देख के छलक ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से भोलेनाथ की कृपा पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब भोलेनाथ हो प्रसन्न घर में बरसे अन्न धन, जब भोलेनाथ हो प्रसन्न घर में बरसे अन्न धन। भक्तजनों, जब ब्राह्मणी भिक्षा मांग कर आ रही थी तो उसे एक बालक जो उसके पुत्र की आयु का ही था घायल अवस्था में पड़ा मिला। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और उसे अपने घर ले आई तथा उसका उपचार करवाया। ब्राह्मणी उसको भी अपना पुत्र ही मानने लगी। स्वस्थ होने पर उसने बताया कि वो विदर्भ देश का राजकुमार है, किंतु शत्रु सेना आक्रमण करके उनका राज्य छीन कर ले गई और उसका पिता युद्ध में मारा गया। उसे भी घायल कर दिया गया और किसी तरह जान बचाकर वह भाग कर आया था, किंतु घायल होने के कारण रास्ते में ही गिर पड़ा। ब्राह्मणी उससे कहने लगी, बेटा मैं तो निर्धन ब्राह्मणी हूँ, राजकुमारों जैसे तुम्हारा पालन पोषण तो नहीं कर पाऊंगी, किंतु जैसे मैं अपने पुत्र की देखभाल करती हूँ वैसे ही तुम्हें भी पुत्र मानकर ही देखभाल करूंगी। जैसे उसको ब्राह्मणी ने फिर पाला, निर्धन के घर रहने लग गया महलों में रहने वाला। साथ खेलते दोनों पुत्र और साथ में खाते हैं, धीरे धीरे ब्राह्मण के बेटे बड़े हो जाते हैं। एक दिन दोनों खेलने के लिए जंगल में चले आए, नृत्य कर रही में कुछ वहाँ गंधर्व कन्याएं। अंशुमती नामक एक सुंदर गंधर्व कन्या थी, विदर्भ देश के राजकुमार के उस पर नजर पड़ी। देखा जब कन्या ने नैनाचार हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से भोलेनाथ की कृपा पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब भोलेनाथ हो प्रसन्न
भक्तजनों, एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र और राजकुमार खेलते खेलते वन में आ गए और दोनों एक दूसरे से बिछुड़ गए। राजकुमार जिस दिशा में गया वहाँ कुछ गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या की नजर जब राजकुमार पर पड़ी तो वो राजकुमार उसके मन में बस गया और दोनों आपस में बातें करने लगे। इतने में ही शाम हो गई। ब्राह्मणी का पुत्र तो लौट आया किंतु राजकुमार अंशुमती के साथ बात करने में इतना लीन हो गया कि उसे समय का पता ही नहीं चला। खोजने वन में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, व्रत करने से भोलेनाथ की कृपा पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब भोलेनाथ हो प्रसन्न, घर में बरसे अनधन। जब भोलेनाथ हो प्रसन्न, घर में बरसे अनधन। जनों, ब्राह्मणी का पुत्र और ब्राह्मणी राजकुमार को खोजने के लिए गए तो राजकुमार और गंधर्व कन्या अंशुमती आपस में बात कर रहे थे। पूछने पर अंशुमती ने ब्राह्मणों को बताया कि मुझे राजकुमार पसंद है, मैं उसे अपने पिता से मिलवाना चाहती हूँ। ब्राह्मणी ने आज्ञा दे दी और अंशुमती उसे अपने पिता के पास ले गई। उसके पिता ने अंशुमती के विवाह का प्रस्ताव जब राजकुमार के सामने रखा तो राजकुमार ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। अंशुमती और राजकुमार का विवाह हो गया है, गंधर्वों के साथ ही फिर तो रहने वो लगा है, किंतु शत्रु ने उनका तो राज छीन लिया था। किंतु जब इस बात का पता चला, कहने लगे कि मेरी सेना तुम साथ मिले जाओ, खोया हुआ राज्य अपना तुम वापस फिर पाओ। गंधर्वों की सेना लेकर चला है राजकुमार, करके आक्रमण अपने शत्रु को दिया उसने मार, खोया हुआ अपना फिर वापस पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, व्रत करने से भोलेनाथ की कृपा पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब भोलेनाथ हो प्रसन्न, घर में बरसे अनधन। जब भोलेनाथ हो प्रसन्न, घर में बरसे अनधन। भक्तजनों, जब गंधर्वों की सेना ने आक्रमण किया तो सारे ही शत्रुओं को परास्त कर दिया गया और वो राजा जिसकी सेना ने राजकुमार को घायल किया था वो भी युद्ध में मारा गया। अंत में राजकुमार ने अपना राज्य हासिल कर लिया और अंशुमती के साथ वहीं रहने लगा। राजकुमार से राजा वो उस देश का बन गया, अंशुमती के संग में वो ठाट से रहने लगा है। एक दिन अपने पति से कहने लगी
दिन ब्राह्मणी को लेकर वो आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से भोलेनाथ की कृपा पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब भोलेनाथ हो प्रसन्न, घर में बरसे अन्न धन। जब भोलेनाथ हो प्रसन्न, घर में बरसे अन्न धन। प्रिय भक्तजनों, विदर्भ देश के राजकुमार ने जब शत्रुओं पर आक्रमण करके अपना राज्य फिर से हासिल कर लिया, तो एक दिन रानी ने पूछा, वो ब्राह्मणी जिसने तुम्हें पाला था अब कहाँ रहती है? तो उसे अपनी माता की याद आई और अगले ही दिन ब्राह्मणी को महल में बुला लिया और उसे राजमाता का दर्जा दिया। उनका पुत्र भी राजाओं की तरह ठाट बाट से रहने लगा। प्रिय भक्तों, सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों सहित 88,000 मुनियों को ये पावन कथा सुनाते हुए कहा कि ऐसा कल्याणकारी है प्रदोष व्रत, जिसके करने से एक निर्धन ब्राह्मणी भी राजमाता बन गई। प्रदोष व्रत का महात्म्य ये सूत जी ने बतलाया, एक व्रत ने निर्धन ब्राह्मण को राजमाता बनाया। प्रदोष व्रत की सुनो हे भक्तों, पावन कथा यही है। होता है कल्याण जो करते शिव की भक्ति है। चेतन शुक्ला ने श्रद्धा पूर्वक किया कथा का वर्णन। प्रदोष व्रत के दिन सुनते हैं हंस राज रिलहन। फौज सुरेश बिसिमर शारदा लिखता जाता कथा। भोले कृपा बरसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से भोलेनाथ की कृपा पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब